हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग मीट। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम संस्कृत में। इसके पहले मैंने आपको पशु पक्षी, खाने की चीज़ें और रंग, पेड़ पौधे, दवाइयाँ, दुनिया भर की चीज़ें जितनी भी होती हैं, मैक्सिमम जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबके संस्कृत नाम ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। नहीं देखा है तो संस्कृत की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक दिया होगा नीचे। तो अभी आज हम देखने वाले हैं वाद्य यंत्रों के संस्कृत नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपका यहाँ पे जो वाद्य यंत्र है वो है हारमोनियम। बहुत ही फेमस है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो इसे संस्कृत में स्वरंधरा, स्वरंधरा या संवादिनी दोनों ही चीज़ें कहते हैं। तो आपको हालांकि ज़्यादा इसका यूज़ जहाँ आपको मिलेगा स्वरंधरा का मिलेगा, संवादिनी का कम मिलता है, लेकिन हाँ कहीं पे ये भी लिखा हो सकता है। तो आपको दोनों ही नाम जो है याद रखने हैं। एक नज़र बस आप देखते चलेंगे तो इन फ्यूचर कभी ये वर्ड सामने आते हैं आपके तो हाँ कुछ कुछ आपको याद आएगा कि ऐसा कुछ था। इसको अलग से कुछ स्पेशली रटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये भी बहुत ही फेमस है, ढोलक, ढोल। तो इसको आप संस्कृत में क्या कहेंगे? प्रांगडम। ठीक है, प्रांगडम। ठीक है, इस तरह से ड एक्चुअली आधा है तो इसको बहुत जल्दी से प्रोनाउंस करना है ढोलक के लिए। इसके बाद है, अच्छा कहीं कहीं भी आपको सिंपली ढोलक भी मिल जाएगा तो वो भी सही है। कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है तो वो भी सही है, ढोलक भी सही है। बट अगर कहीं पर आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि जहाँ प्योर संस्कृत रहेगी तो वहाँ पर आपको यही वर्ड मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, ये दूसरा है आपका मृदंग। ठीक है, मृदंग है ये, कुछ कुछ पखावज जैसा है, पखावज ही है एक्चुअली एक प्रकार का। और अमीर खुसरो जी ने इसी के दो टुकड़े करके तबले की जो है आविष्कार किया था, तबले का। तो इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, अंगक्य। ठीक है, अंगक्य इसको संस्कृत में कहते हैं मृदंग को। हालांकि ज़्यादातर मृदंगम वर्ड ही ये यूज़ में आता है, मृदंगम वर्ड यूज़ में आता है, लेकिन इसका एक नाम ये भी है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला जो है वो एक बहुत ही फेमस मॉडर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार। तो गिटार को संस्कृत में कहते हैं दंतवीणा, दंतवीणा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा नाम है, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तबला। तबला को बोलते हैं मुरजह। क्या बोलते हैं? मुरजह, याद कर लीजिए इसको, तबला, मुरजह। नेक्स्ट आपका जो है वो है बांसुरी। तो इसके कई सारे मैं आपको नाम बताऊंगी क्योंकि कई सारे गद्यांश वगैरह में जहाँ पे कृष्ण भगवान का जिक्र होता है तो वहाँ बांसुरी का जिक्र ज़रूर होता है। तो इनमें से कई सारे वर्ड्स हैं जो किसी गद्यांश वगैरह में आपके सामने आ सकते हैं तो इसलिए इसके कई सारे बता रही हूँ। सिंपली तो मुरली है, वंशी है, ये फेमस नाम है। इसके अलावा सानिका हो सकता है, तूड़ा हो सकता है, एक्चुअली बहुत सारे होते हैं पर जो कुछ फेमस हैं, ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। देख लीजिए पूरा, वंश नालिका, सुर लासिका, सुर की जगह कहीं पे स्वर भी लिखा हो सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये आप पे मुरली, वंशी, सानिका, तूड़ो, तूड़ो बहुत यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी आप देख सकते हैं, तूड़ो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका शहनाई। तो शहनाई के लिए जो संस्कृत वर्ड है वो है सुमुरली, सुमुरली। तो मुरली मतलब क्या होता है? मुरली मतलब तो ऊपर बांसुरी ही होता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें सु लगा दीजिए। तो ये ज़्यादा कठिन याद करने के लिए नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पियानो। ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर होगा, रहता है मतलब, आई मीन। तो इसको हम बोलते हैं तंत्रिक वाद्यम, तंत्रिक वाद्यम, पियानो तंत्रिक वाद्यम। आगे बढ़ते हैं, शंख। शंख को क्या बोलते हैं? तो है तो ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही शंख भी, जो हालांकि हम उसे पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसको शंख दरह, त्रिरेख, दीर्घ नादह, तीनों नाम से बुलाया जा सकता है ना। तो ये तीनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, किसी कोई भी ऐसा जो धार्मिक टाइप का गद्यांश अगर कुछ आ जाता है तो वहाँ पे भी आ सकता है आपके सामने। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, शंखदरा इजी है, त्रिरेखा, दीर्घनाथा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ये है आपका तानपुरा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि तानपुरा और सितार दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में एक जैसा ही लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको सितार दिखाऊंगी। यहाँ पे आप ये चीज़ देख ली, ये वाला पोर्शन, तो अभी मैं आपको सितार दिखाऊंगी तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तानपुरह को बोलते हैं तानपुरह,
मतलब ये सिर्फ मात्राओं का हेर फेर है और कुछ नहीं, संस्कृत में तानपुरः। इसके बाद है फिर आपका ड्रम, जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, ड्रम किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे एक मैंने बना के दिखाया हुआ है, एक पिक लगाइए, कई तरह के होते हैं। नगाड़ा जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं आनक या दुंदुभि, ठीक है, आनक या दुंदुभि, याद रखना है, आनक, दुंदुभि, नगाड़ा, ड्रम। इसके बाद है वायलिन, जिसको कि वाद्य यंत्रों की रानी कहा जाता है। वायलिन इसको बोलते हैं बाहुलीना, इम्पॉर्टेंट है, संस्कृत में बाहुलीना, ठीक है, वायलिन, बाहुलीना। इसके बाद ये देखिए सितार, तो अभी आप इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज़ देखकर, तो तानपुरा और सितार में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सितार को बोलते हैं विपंची, क्या बोलते हैं, विपंची, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, एंड जस्ट होप आपको याद हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, भाई मेहनत लगी है इसको बनाने में, सो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी संस्कृत के वीडियोस देखते हैं तो आई बटन में यहाँ कहीं दिया होगा, लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की, तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।